चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने नीट 24 की एग्जाम के आंसर की रिलीज कर दी है, यानी कि फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है। इसके ऊपर ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ये फाइनल आंसर की में जो सबसे बड़ा चेंजेज है वो ये है कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का जो एटम वाला था उसके दो आंसर दिए गए हैं। एनटीए ने पहले ये सिर्फ एक ही आंसर माना था, अब उसके दो ऑप्शन करेक्ट माने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो कौन से आंसर करेक्ट हैं। exam.nta.ac.in/neet पर जाकर के आप देख सकते हैं फाइनल आंसर की फॉर नीट 24 एग्जाम हेल्ड ऑन 5 मई 24। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सभी कोड की आंसर की यहां मिल जाएगी आपको। 48 पेजेस की ये आंसर की है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां आपको एक क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे T4 का क्वेश्चन नंबर 25 है, उसके फर्स्ट और थ्री आंसर करेक्ट हैं। चलो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन उसका ये है जो एटम वाला स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर एनटीए ने स्टेटमेंट 1 को पहले करेक्ट किया था, अभी स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों को करेक्ट कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर 1 दिया है उसको भी 4 मार्क्स मिलेंगे और जिसने इसका आंसर 3 दिया है उसको भी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके यहां ये पहले गलत हो रहा था उसके 5 मार्क्स यहां और ऐड हो जाएंगे, और जिन्होंने पहले 1 और 3 दिया था तो ये पहले 3 दिया था तो पहले उनके 5 नंबर कट रहे थे, अभी उनके 3 होने से भी 5 नंबर जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है जिसने 1 और 3 दिया है उन स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन सही है। आप अपना आंसर की ओमार से या रिस्पॉन्स शीट से दोबारा चेक कर लें, आपका स्कोर, किसी किसी स्टूडेंट का स्कोर बड़ा मिलेगा जिसने ऑप्शन थर्ड किया है, लेकिन जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट पहले से ही कर रखा है उनका कोई चेंज नहीं होगा, उन्हीं कोई नहीं बढ़ेगा। फायदा उन्हीं कैंडिडेट्स को होगा जिन्होंने इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट किया है, उनको 5 नंबर का यहां फायदा मिल जाएगा और एनटीए की आंसर की में बाकी कोई चेंजेज नहीं है। एक ही चेंजेज है, उन कैंडिडेट्स के 5 मार्क्स यहां बढ़ जाएंगे जिन्होंने ये फिजिक्स का एटम वाला क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सही किया है। बाकी आपका एज इट इज है, फाइनल आंसर की डाल दी गई है और इसमें कोई किसी प्रकार का, इसमें अभी कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। फाइनल आंसर की आने के बाद में अभी डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया जाएगा और मैंने आपको बताया कि एनटीए का बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है ये रिजल्ट आज शाम तक आ जाए या फिर 2 दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि फाइनल आंसर की में चेंज हुआ है। तो फाइनल आंसर की में चेंज हुआ है तो स्कोर में चेंज होगा, उनके रिस्पॉन्स शीट में चेंज होगा, तो समय लग सकता है 2 दिन का और। तो एनटीए का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। चेंजेज मैंने आपको बता दिया है, एक ही चेंजेज है सिर्फ, बाकी आंसर की एज इट इज है, ये फाइनल आंसर की है, इसको अभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।